हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राहुल रॉय की अपकमिंग फिल्म स्ट्रोक के बारे में, तो वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के चलते अस्पताल में भर्ती राहुल रॉय अब अपनी अगली फिल्म में स्ट्रोक पीड़ित का रोल अदा करेंगे। कारगिल में LAC मूवी की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो गए थे और अब वो मुंबई के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अब वो स्ट्रोक पीड़ित की भूमिका में फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन फिर नितिन कुमार गुप्ता ही करेंगे, जो LAC कारगिल मूवी भी बना रहे हैं। इसी सप्ताह की शुरुआत में राहुल रॉय ने अपने अस्पताल से ही एक तस्वीर जारी की थी। इस तस्वीर में वो अपनी बहन प्रिया ग्रेस और भाई रोहित के साथ थे। एक इंटरव्यू में नितिन कुमार गुप्ता ने बताया कि राहुल रॉय को अपनी बहन अब घर ले गई है। अब उनकी कुछ दिनों तक लगातार स्पीच थेरेपी चलेगी। बता दें कि इसी महीने राहुल रॉय की एक फिल्म सयोनी रिलीज होने वाली है। नितिन कुमार गुप्ता ने कहा कि स्ट्रोक पीड़ित होने के बाद रिलीज होने वाली राहुल रॉय की यह पहली फिल्म होगी। नितिन ने कहा, दूसरे प्रोड्यूसर को राहुल रॉय के साथ काम करने में हिचक हो सकती है, लेकिन मैं उनके साथ फरवरी में अगली फिल्म बनाने की तैयारी में हूँ। इस फिल्म का नाम स्ट्रोक होगा और ये एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित होगी। नितिन गुप्ता ने फिल्म की कहानी शेयर करते हुए कहा कि इस फिल्म में राहुल स्ट्रोक पीड़ित का रोल अदा करेंगे। स्ट्रोक पीड़ित होने के चलते वो हथियारे का नाम नहीं ले पाते हैं। हम फिक्शन को हकीकत के साथ मिलाकर फिल्म प्लान कर रहे हैं। बता दें कि राहुल रॉय कारगिल में LAC मूवी की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें स्ट्रोक आ गया था। इसके बाद उन्हें एनलिस्ट करके मुंबई लाया गया था। दरअसल कारगिल के तापमान के -12 डिग्री सेल्सियस और -13 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के चलते भी राहुल रॉय के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा था। बिग बॉस के पहले सीजन के विजेता राहुल रॉय धीरे धीरे स्ट्रोक से उभर रहे हैं। 1990 के दशक में आई फिल्म आशिकी में अभिनय करने के लिए राहुल रॉय को जाना जाता है। ये फिल्म काफी लोकप्रिय हुई थी। वेल दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।